हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप इसको कह सकते हैं हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड बाइनरी जो यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है। बाइनरी कंपाउंड वैसे हम कहते किसको हैं, बहुत ही सिंपल है। बाइनरी का मतलब आप जानते हैं टू, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट हों, दो तरह के एलिमेंट हों, नंबर ऑफ एटम भले कम हो ज़्यादा हों लेकिन दो टाइप ऑफ एटम हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। जैसे कि मीथेन है, इट कंटेंट्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे वाटर है, इट कंटेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे अमोनिया है, इट कंटेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड है, इट कंटेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन। दीज आर ऑल बाइनरी कंपाउंड। पर ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिसमें दो में से एक अगर हाइड्रोजन ही है, तो फिर ऐसी सूरत में इनको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कांस्टेंट एलिमेंट रह रहे हैं हम। तभी हमने लिखा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नाउ दीज आर सिंपली कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। यू कैन सी इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। एंड द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अनदर एलिमेंट्स, नाउ दीज कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड जो हैं, इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा है कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अनदर एलिमेंट आर बाइनरी कंपाउंड। और इन्हीं बाइनरी कंपाउंड्स की जगह पे मैं एक और वर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं इनको एक और वर्ड से भी ले सकते हैं, नाउ वी कॉल दिस वन हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है जो कि बहुत सारे एलिमेंट के साथ ज्वाइन होने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेराइटी के हैं। देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स इंक्लूडिंग आयनिक हाइड्राइड, यू कैन सी कोवलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। तो हम इन छह टाइप ऑफ हाइड्राइड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन छह टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड जो है इसका दूसरा नाम है साल्ट लाइक, या फिर इसको कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड, साल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड। इनको ऐसा क्यों कहते हैं वो तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी कि व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज ए साल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो यू कैन सी लिखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट टू, वन ऑफ दिस इज द बेरिलियम, द अदर इज द मैग्नीशियम। इन एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो बनाएंगे वो कौन से हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। इनको आयनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, बिकॉज बॉन्ड आयनिक बनता होगा, और आयनिक बॉन्ड जब बनता होगा तो कैसे बनता होगा कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे, एक या दो, डिपेंड करता है फर्स्ट ग्रुप का है सेकेंड ग्रुप का है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और उसके बरक्स जो है जो हाइड्रोजन जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय गेनिंग एंड लूजिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हाइड्राइड जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड। व्हाई दे आर सो कॉल्ड, बिकॉज बॉन्ड बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन इज आयनिक बॉन्ड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की बात करूं, तो फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ अगर हीट किया गया तो बनेगा फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्राइड, जिसकी रेशियो कॉम्बिनेशन की जो है वो 1:1 से है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कॉम्बिनेशन का रेशियो 1:1 से होगा। जैसे सोडियम है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है एम, जो कि एम रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ए ग्रुप के मेटल को, उसको अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया तो कंपाउंड बनेगा MH2, जो कि एक आयनिक हाइड्राइड है, यहां पर कॉम्बिनेशन 1:2 से हो रही है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप का जो एलिमेंट है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो 2+ है, तो इस तरह से हाइड्रोजन 1- होगा, पर ऐसे दो हाइड्रोजन है तो टोटल कंपाउंड आप जानते हैं कि न्यूट्रल होता है। सेकेंडरी ग्रुप का जो रियल एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, इस तरह से बना कैल्शियम हाइड्राइड। तो फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट आयनिक हाइड्राइड बना लेते हैं, सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम, इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट जो है आयनिक हाइड्राइड बना लेते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में दो एलिमेंट को हमने एक्सक्लूड किया है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्यों,
क्योंकि दीज एलिमेंट्स, एक तो ये दोनों एलिमेंट जो है एक तो बिलोंग करते हैं सेकेंडरी ग्रुप से। आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में सेकेंडरी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज़, उनका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है। एक तो उनका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है, दूसरी बात कि ये दोनों एलिमेंट अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट हैं, टॉप एलिमेंट हैं, तो उसका साइज़ वैसे भी स्मॉल होता है। इस वजह से ये दोनों एलिमेंट इतने स्मॉल होते हैं कि दे के नॉट लूज, दे के नॉट गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन ईजिली टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाते, इस वजह से ये दोनों एलिमेंट हाइड्राइड तो बनाते हैं लेकिन उनकी नेचर आयनिक नहीं होती। इनकी नेचर क्या होती है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड। वाई आयनिक? बिकॉज बॉन्ड इज आयनिक, दैट सिंपल। होप सो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इनकी एक तो प्रॉपर्टी ये है कि ये साल्ट लाइक सॉलिड है, साल्ट लाइक सॉलिड है, जैसे साल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। आप जानते हैं कि साल्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस है। साल्ट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ये भी सॉलिड है। उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। साल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये भी पानी में सॉल्युबल होते हैं। मतलब देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सेम एज देयर ऑफ दी साल्ट, दैट्स व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड साल्ट लाइक। साल्ट लाइक का सब्स्टिट्यूट वर्ड है सेलाइन, तो हम इसको कभी कभार सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली पॉइंट लिखी है कि दे आर साल्ट लाइक हाइड्राइड, दे आर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई एंड थर्मली स्टेबल, और हीट करने से डीकम्पोज नहीं होते, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है एज द एटॉमिक मास इंक्रीज। मतलब अगर हम फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए, एटॉमिक मास बढ़ता है तो उनके हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो स्लोली क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी लिथियम हाइड्राइड जो उससे कम स्टेबल सोडियम हाइड्राइड होगा, सोडियम हाइड्राइड से कम स्टेबल जो होगा पोटेशियम हाइड्राइड होगा। एक तो एटॉमिक मास बढ़ता है पर इसके पीछे बेसिक वजह जो है वो मास के बजाय जो है वो है इनकी एटॉमिक साइज। एस ब्लॉक एलिमेंट की साइज टॉप टू बॉटम बढ़ती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता है तो उनको डिकम्पोज करना जो होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल है, एंड गिव हाइड्रोजन गैस विथ वाटर एसिड्स एंड अल्कोहल। ये जो हाइड्राइड्स हैं ये पानी में तो सॉल्युबल हैं ही, लेकिन जब इनको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये पानी के साथ रिएक्ट भी कर लेते हैं, और पानी के साथ रिएक्ट करने के साथ कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ना सिर्फ ये पानी के साथ हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं बल्कि ये जो हैं ये अल्कोहल के साथ भी और एसिड्स इन दोनों के साथ भी ये जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो कुछ रिएक्शंस मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया है सोडियम हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन पार्ट नेगेटिव है, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है तो नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो उसका जो सोडियम पार्ट है वो उसके OH के साथ बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्राइड को जब पानी में डिजॉल्व किया तो कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आप देखें कि कैल्शियम हाइड्राइड है वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एसिड के साथ भी तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, तो एसिड की ये दोनों हाइड्रोजन, ये कैल्शियम हाइड्राइड की दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से ये जो सोडियम हाइड्राइड है इसका हमने रिएक्शन लिया है अल्कोहल के साथ, मैंने जो एग्जांपल लिया अल्कोहल का नाम दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पोलर ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन पार्ट नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्ट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन और पॉजिटिव हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर कौन सी गैस बना लेती हैं, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से इसके साथ जो बायो प्रोडक्ट बना है, नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम इथोक्साइड, जिसका जिक्र अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वी गॉट द पॉइंट कि इन हाइड्राइड्स को पानी में डिजॉल्व किया तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और इवन ये जो हैं ये एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने की प्रॉपर्टी की बुनियाद पे और उनके वाटर के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी की बुनियाद पे इन हाइड्राइड्स को कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है टू डीहाइड्रेट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, जो कि पेट्रोल तो आप जानते हैं कि नॉन पोलर नेचर का है, अगर उसमें कोई मॉइस्चर आ जाए, पानी आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम इन हाइड्राइड्स को उसके अंदर डाल के उसमें से मॉइस्चर को हम अलग कर सकते हैं। मॉइस्चर अलग कैसे होगी कि उसका जो मॉइस्चर जो होती है, जो वाटर पार्ट होता है, वो इन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की सूरत में एस्केप हो जाएगा, तो इस तरह से वो कंपाउंड डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि कैल्शियम हाइड्राइड जो है
इसका आता है लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने में, तो उसके कुछ यूजेज भी हैं। एक तो ये कि कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन हाइड्राइड्स को जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डिहाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ में इन हाइड्राइड को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन गैस, टू गिव अप हाइड्रोजन गैस। इस वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन लूज करते हैं, हाइड्रोजन आगे जाके किसी और मॉलिक्यूल को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई दीज आर बीन यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो चलते हैं अब एक दूसरे हाइड्राइड की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड। छह हाइड्राइड हैं, एक डिस्कस कर लिया है, दूसरा हाइड्राइड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड नाम से ही जाहिर है, कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन अब जिस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड विल बी कोवेलेंट। तो चलो देखते हैं कि कौन से एलिमेंट पीरियडिक टेबल के कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं। पहली पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ दी पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि थर्ड ए से लेकर सेवंथ ए तक, दीज एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज हाइड्राइड्स, यानी कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक में भी ज्यादातर कौन से एलिमेंट? थर्ड ए से लेकर सेवंथ ए। थर्ड ए से लेकर सेवंथ ए तक के सारे एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं बनाते, कुछ और किस्म के हाइड्राइड भी बनाते हैं, पर मेजॉरिटी कोवेलेंट हाइड्राइड बनाती है। नोबल गैसेस इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि नोबल गैसेस तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इन हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कैसे करें और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। लिखा है कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इन हाइड्राइड्स को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड जो हैं इनके प्रिपेयर करने का डायरेक्ट मेथड क्या है। देखो भाई, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट ना करे, कोई डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें जिसके नतीजे में कोवेलेंट हाइड्राइड बन जाए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड। तो लेट्स बिगिन विद द डायरेक्ट मेथड। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, ये तीनों एलिमेंट पी ब्लॉक से रिलेटेड हैं, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर दोनों जो आप जानते हैं कि सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट एज ए एग्जांपल लिए हैं, और क्लोरीन सेवंथ ग्रुप का है। और इन सब के रिएक्शंस आप देख सकते हैं किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो व्हेन दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, दे आर फॉर्मिंग कोवेलेंट हाइड्राइड। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में इग्नाइट किया जाए तो बनता है वाटर, वाटर कोवेलेंट हाइड्राइड है। नाम भले वाटर है लेकिन है तो हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड है। इस तरह से सल्फर को जब हाइड्रोजन के साथ जब हीट किया जाता है करीबन 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो सल्फर व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन इट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम भले हाइड्रोजन सल्फाइड है पर यह भी तो हाइड्राइड है, क्योंकि यह भी बाइनरी कंपाउंड है। सल्फर का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, दो एलिमेंट है, बाइनरी कंपाउंड है। इसके साथ साथ अगर हम क्लोरीन गैस को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके अगर इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रखें, या इवन अगर हम सनलाइट में अगर इनको रखें, तो बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी आप देखते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है प्रिपरेशन का। अब आते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड में रिएक्ट करने वाले कोई और कंपाउंड होंगे, नतीजा कोवेलेंट हाइड्राइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो बनती है मीथेन। बाय प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है पर बनती है मीथेन, मीथेन कोवेलेंट हाइड्राइड है। इस तरह से अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाए इसका, तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पर इसके साथ बनी अमोनिया, अमोनिया कोवेलेंट हाइड्राइड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फाइड इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो यहां पर बनती है फॉस्फीन, PH3 जो है ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि बॉन्ड बिटवीन द फास्फोरस एंड हाइड्रोजन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो हमें मिलता है HCl, तो HCl भी कोवेलेंट हाइड्राइड है। और जब हम कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलती है इथाइन, जिसको हम कहते हैं एसीटाइलिन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटाइलिन,
या इसको IUPAC सिस्टम में कहते हैं ईथीन। तो चलो इसको लिख लेते हैं ईथीन, नॉट ईथीन, करेक्शन, ईथाइन। ठीक, तो ये ईथाइन हो गया, HCl हो गई, PA3 हो गई, अमोनिया, मीथेन, दीज आर ऑल कोवेलेंट हाइड्राइड। ये जिन पे सर्किल मारा है ये सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड हैं। हमने इन हाइड्राइड्स को डायरेक्ट एलिमेंट कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया, ये किसी और रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से बने हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। होपफुली आप बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली पॉइंट तो आप देख सकते हैं कि दे एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक गैस एंड लिक्विड एंड सॉलिड। ये जो हाइड्राइड्स हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स सभी स्टेट में पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे गैस कौन सी, मीथेन, अमोनिया, PA3, ठीक है, इथाइन, जितने भी अल्केन है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी गैसेस हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। लो बॉइलिंग लिक्विड जैसे कि पेट्रोलियम है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, ठीक है। और लो मेल्टिंग सॉलिड जैसे कि नेप्थलीन, नेप्थलीन आप जानते हैं ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सभी स्टेट में पाए जाते हैं। आगे लिखा है कि थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर न्यूट्रल लाइक बोरेन, BA3 इसका नाम है बोरेन, BA3 को कहते हैं बोरेन। CH4 का तो नाम आपको पता है मीथेन, SiH4 जो है इसको कहते हैं साइलेन, ठीक है। तो मीथेन, इथेन या बोरेन, साइलेन, मैं अब बात कर रहा हूं थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड की। तो ये जो थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ठीक। जबकि लिखा है कि फिफ्थ ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये बेसिक होते हैं, पर वो कौन से बेसिक होते हैं, लेविस बेस होते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट कर सकता है। जैसे फॉस्फीन है ये फिफ्थ ए ग्रुप का हाइड्राइड है, ठीक है, यहां पर भी फास्फोरस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये सारे कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, ये बनाते हैं बेसिक हाइड्राइड, फिफ्थ ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं बेसिक हाइड्राइड्स होते हैं। आगे लिखा है कि सिक्स्थ और सेवन्थ ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और साथ साथ ये भी लिखा है कि एसिडिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम सिक्स टू सेवन्थ और वो इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब सिक्स्थ ग्रुप के हाइड्राइड्स और सेवन्थ ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के हैं और इनकी एसिडिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर कैसे, सिक्स्थ ग्रुप में पहला हाइड्राइड है वाटर और दूसरा हाइड्राइड है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है हाइड्रोजन सेलिनाइड। वाटर तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल है, ये तो एसिडिक नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड तो है, हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन सेलेनाइड जो इसका थर्ड एलिमेंट है। तो टॉप टू बॉटम सिक्स्थ ग्रुप में भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। और अगर हम सेवन्थ ग्रुप की बात करें तो HF से लेकर HCl, HCl से HBr, HBr से HI, जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मैंने लिखा है कि टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीज होती है, चाहे वो सिक्स्थ ग्रुप हो चाहे सेवन्थ ग्रुप हो। लेकिन यह बात भी क्लियर होनी चाहिए कि सिक्स्थ ग्रुप से ज्यादा एसिडिक होते हैं सेवन्थ ग्रुप के हाइड्राइड, यानी सिक्स्थ ग्रुप से सेवन्थ ग्रुप के हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोजन गिव अप करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे और गालबन हमने दो हाइड्राइड्स पढ़ लिए थे। एक हमने हाइड्राइड पढ़ा था आयनिक हाइड्राइड और सेकेंड हाइड्राइड जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज कोवेलेंट। तो आज हम बाकी जो चार टाइप हैं हाइड्राइड्स के उसको डिस्कस करेंगे। तो उन चार टाइप में से हमारा जो पहला टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। अब पॉलीमेरिक हाइड्राइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। आपको याद होगा कि आयनिक हाइड्राइड में हमने इन दोनों एलिमेंट को एक्सक्लूड किया था, हमने कहा था कि ये दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाते, इस वजह से इन एलिमेंट्स की जो एबिलिटी होती है वो बजाय आयनिक बॉन्ड बनाने के कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब बेरिलियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है BeH2, या फिर मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो बनता है MgH2। लेकिन ये जो मेटल हाइड्राइड है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड अपना सेकेंड ग्रुप के दोनों एलिमेंट हैं, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट जो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कर लेते हैं तो
ये हाइड्राइड्स कुछ यूँ होते हैं कि ये मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। इस फॉर्मूले में जो एम है ये या तो बेरिलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर मैग्नीशियम मेटल को, इन दोनों में से कोई भी मेटल हम एम की जगह पर रख सकते हैं। और होल एन का मतलब है कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी पॉलीमराइज टुगेदर। अब ये पॉलीमराइज क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, तो इस बात को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल बनाए हैं बेरिलियम हाइड्राइड के, जिसमें बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड शो किया, जो कि बेसिकली होता ही कोवेलेंट बॉन्ड है। पर कोवेलेंट बॉन्ड की जो नेचर है वो आप यूं कह सकते हैं कि पोलर होती है, पोलर इस वजह से बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट एटम है। अब क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुकाबले में ज़्यादा है, तो बेरिलियम पार्ट पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पार्ट नेगेटिव है। इन ऑल दीज मॉलिक्यूल सेम सिचुएशन है, तो होगा क्या, इस पोलरिटी की वजह से और स्मॉल साइज की वजह से ये जो नेगेटिव हाइड्रोजन है ये नेबरिंग मॉलिक्यूल की पॉजिटिव बेरिलियम को अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह से कई मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, जो डॉटेड लाइन शो की हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इसको शो कर रही है। तो ऐसे जब कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बेरिलियम हाइड्राइड के आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक बिग चेन बन जाती है, इस वजह से वी कॉल अ बिग मॉलिक्यूल अ पॉलीमर। दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग दीज हाइड्राइड्स एज अ पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक, हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, पर नेचर ऑफ बॉन्ड जो यहाँ पर हुई है वो कोवेलेंट है। इसी सेंस में इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज जो हैं दीज आर दी इंटरमीडिएट बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आयनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड का इंटरमीडिएट होती हैं, जैसे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी इंटरमीडिएट होंगी, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमीडिएट होंगी, लाइक दैट। चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। नाउ दिस इज कॉल नंबर 4 एंड इज कॉल मेटेलिक हाइड्राइड। इस मेटेलिक हाइड्राइड के दो और नाम भी हैं, आप देख सकते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स आर समटाइम कॉल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और इसके साथ कहते हैं नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो चलो देखते हैं कि इन हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली इसको मेटेलिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं। एक बात तो ये क्लियर करो कि दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ अक्सर मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं यही एलिमेंट ये हाइड्राइड्स क्यों बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। लिखा है कि हाइड्रोजन गैस यू कैन सी दैट इजीली एड्सॉर्ब इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल क्रिस्टल। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, अब इनको कह सकते हैं कि इंटर एटॉमिक स्पेसेस होती हैं, और ये स्पेसेस इनफ होती हैं कि यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन है वो इजीली उन स्पेसेस में घुस सकता है। और जब हाइड्रोजन उन स्पेसेस में एड्सॉर्ब होगा, पेनिट्रेट करेगा उनके क्रिस्टल को, तो हमें तो फील ही नहीं होगा कि एक ट्रांजिशन मेटल है उसकी सरफेस में कोई हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई है कि भी नहीं हुई है। ठीक है, और ओवरऑल अपीयरेंस जो होगी वो मेटल जैसी ही होगी, इस वजह से कि ओवरऑल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल जैसी ही रहती हैं, हम इनको कहते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। पर एक्चुअल में हाइड्रोजन उनकी स्पेसेस में जो है वो पेनिट्रेट करती है, तो हमने इसको कहा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और दूसरी बात यह कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने उन स्पेसेस में पेनिट्रेट करेंगे वो तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्पेसेस पे, स्पेसेस कभी कम होती हैं कभी ज़्यादा होती हैं, हाइड्रोजन कम भी जा सकती है ज़्यादा भी जा सकती है। तो हाइड्रोजन का और ट्रांजिशन मेटल का आपस में जो कंबाइन होना है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में नहीं होता, स्टॉइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं होता, इस वजह से हम इन हाइड्राइड्स को स्टॉइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स के बजाय क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन विद द ट्रांजिशन मेटल। तो आई होप कि ये सारी पॉइंट्स आपको समझ आई होंगी। आप देख सकते हैं कि एक लिखा है कि नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द ट्रांजिशन मेटल एंड प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं जैसे कि ट्रांजिशन मेटल हो। पर इन हाइड्राइड्स को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने सुना होगा कि वी आर कन्वर्टिंग द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको सेचुरेट करके घी में कन्वर्ट करना हो, सॉलिडिफाई करना हो, तो हमें डबल बॉन्ड को क्या करना होता है, हाइड्रोजनेट करना होता है।
तो वहां पर हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन। तो जब निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के साथ यूज किया जाता है तो पहले वो हाइड्रोजन निकल के क्रिस्टल में एडजॉर्ब होती है, मेटलिक हाइड्राइड बनाती है, और हीट करने से जब वो मेटलिक हाइड्राइड में से जब हाइड्रोजन एस्केप होती है तो इन तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हुई थी, एस्केप एटॉमिक स्टेट में होती है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि भाई निकल जो है उसने हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को क्या किया, बढ़ाया। तो मेटलिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो हाइड्राइड्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। एक और पॉइंट है नाउ, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड जो होते हैं, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय फ्यू एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड बी एंड एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए। अब गौर से देखें, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल का चार्ट है तो आप गौर से देख सकते हैं कि फर्स्ट बी, फर्स्ट बी और सेकंड बी ये डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट है। डी ब्लॉक जो है उसके लास्ट दो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड बी है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को चेक करें। और थर्ड ए जो है ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट बी और सेकेंड बी और थर्ड ए ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बॉर्डर पर बसने वाले एलिमेंट हैं। ये वो एलिमेंट हैं जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो ये बनाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। सारे एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट इनमें से बनाते हैं। फर्स्ट बी और सेकंड बी के तो तकरीबन सारे ही एलिमेंट बना लेते हैं, लेकिन थर्ड ए में दो एलिमेंट छोड़कर बाकी नीचे वाले एलिमेंट बना लेते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम के अलावा जो गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये एलिमेंट इजिली हाइड्रोजन के साथ बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बना लेते हैं। चलो देखते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या है। जैसे कॉपर हाइड्राइड है CuH2, जिंक हाइड्राइड है ZnH2, थैलियम हाइड्राइड है TlH3। ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन सी कि प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द कोवेलेंट एंड मेटलिक हाइड्राइड। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड बी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, थर्ड ए पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और फर्स्ट और सेकंड में जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो मेटलिक हाइड्राइड बनाते हैं और पी ब्लॉक के कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटलिक और कोवेलेंट हाइड्राइड का इंटरमीडिएट होती हैं। तो होपफुली ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, द लास्ट हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन इट्स क्वाइट ईजी। लुक एट, एक तरफ है फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्राइड, प्लस करते हैं इसको हम थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड से। जब फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्राइड और थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड जब आपस में कंबाइन हो तो एक नए किस्म के हाइड्राइड जन्म लेते हैं और इन हाइड्राइड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हैं ये हाइड्राइड तो हैं लेकिन ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन किस्म के एलिमेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? इसमें एक होता है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, एक होता है थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट, और बाकी आप जानते हैं कि हाइड्रोजन होती है। दिस इज सिंपली वी नॉट से दिस कंपाउंड एज अ बाइनरी कंपाउंड बट स्टिल दे आर द हाइड्राइड। अब आते हैं कि इन हाइड्राइड की प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। तो जरा देखें आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर सोडियम हाइड्राइड जो कि फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्राइड है जब वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप थोड़ा सा बेसिक पे जाएं तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है जिसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, हाइड्रोजन ने गेन, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। आप ये भी तो जानते हैं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है तो वो हाइड्रोजन सोडियम से गेन कर लेता है सपोज टू बी। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन जो होता है उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्राइड आयन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरी तरफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसने तीन बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन से, एल्यूमिनियम को अभी भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है। तो इस तरह से दो हाइड्राइड की कॉम्बिनेशन होती है और इनके बीच में जो तीसरा बॉन्ड बनने जा रहा है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो इस हाइड्राइड आयन और एल्यूमिनियम के बीच में बनता है। सो हैव वी हैव द सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में सभी किस्म के बॉन्ड होते हैं, सभी किस्म के बॉन्ड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तो आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, अब इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या इसको हम कहते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड। एक और हाइड्राइड है जैसे लिथियम हाइड्राइड, जब बोरॉन हाइड्राइड के साथ कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट बनता है लिथियम बोरॉन हाइड्राइड। तो फर्स्ट ए ग्रुप का
और थर्ड ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नए किस्म के हाइड्राइड जन्म लेते हैं और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक, चलते हैं आगे। जनरल फार्मूला इन हाइड्राइड्स का जो है वो लिखते हैं ए बी एच फोर। इसमें ए सपोज फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है और इसके साथ हाइड्रोजन। ठीक, चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली पॉइंट तो यह है कि साल्ट लाइक सॉलिड्स होते हैं, ठीक, कलरलेस होते हैं और इसके साथ दे आर स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हाइड्राइड अगर 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए जाएंगे तो इट्स नॉट इश्यू, दे आर नॉट गोइंग टू बी डीकम्पोज। बट इफ यू आर हीटिंग दीज हाइड्राइड अबव 300 डिग्री सेल्सियस तो ये इजिली डीकम्पोज हो जाते हैं। साथ साथ एक पॉइंट और भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये कि सॉल्युबल इन वाटर एंड रिएक्ट विथ इट टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। पानी में सॉल्युबल भी हैं, न सिर्फ पानी में सॉल्युबल है बल्कि पानी में डिजॉल्व होने के बाद वो पानी के साथ रिएक्ट भी कर लेते हैं और वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, तो इसमें चार वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, इनके चार OH ग्रुप जो हैं उनमें से एक जाता है सोडियम के साथ, यू कैन सी, तीन जाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, बाकी हाइड्रोजन सेपरेट होती है एज ए हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज अ सिंपल टॉपिक, वी आर कॉलिंग दिस वन एज अ हाइड्राइड। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।